हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजू आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। ये मेरा नया चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर सबको आप फॉलो कर दीजिएगा अच्छी वीडियो पाने के लिए। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सीड्स कैसे लगाते हैं। ये आपको नर्सरी बेस में बता रहे हैं, एक भी सीड्स आपकी नहीं मरेगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आपको इस आधार पर चलना जैसा मैं बताऊँ। तो सबसे पहले आप सीड्स ले लीजिए। ये मैंने गमला लिया है, चिपटा गमला, और इसमें बर्मी कंपोज, कोकोपीट और एग्रोमिन सॉयल। अगर एग्रोमिन सॉयल नहीं मिलता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये दो प्रोडक्ट मिक्स करके लगा दीजिए। बर्मी कंपोज एक गमले में एक मुट्ठी से ज़्यादा नहीं डालिए, और एग्रोमिन सॉयल एक चम्मच। अगर दोनों मिलता है तो मिक्स कर दीजिए, तीनों मिलता है तो तीनों मिक्स कर दीजिए। मिक्स करने के बाद गमले में डाल दीजिए। मैं जो आगे ऑप्शन बता रहा हूँ उस ऑप्शन पे आपको चलना है, उसको फॉलो करते हुए चलना है। आपके कभी सीड्स मरेंगी नहीं, हर सीड्स लग जाएगी। ये नर्सरी वैल्यू है। ये मैं पहला दिन लगाया है उसका दिखा रहा हूँ। पहला दिन आप इसमें इस तरीके से अगर से निशान देखें कि जैसे कीमती चीज़ है तो कीमती सीड्स है तो उसको निशान देख के डालिए, नहीं तो किसी सीड्स को छीट दीजिए। पहले आप गमले में बर्मी कंपोस्ट को डाल दीजिए, उसके बाद सीड्स को छीट के उसके पास से हल्का सा बर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए, और पानी जब भी दीजिए स्प्रे के द्वारा दीजिए। इसे ऐसे सनलाइट में रखिए कि सनलाइट डायरेक्ट ना पड़े, हल्का छाँ के हिसाब से पड़े। और इसमें पानी जब भी डालिए स्प्रे के हिसाब से डालिए, ज़्यादा नहीं डालिए। देखिए पहले हफ्ते में, पहले दिन में आपको ये मिला, तीसरे दिन में इस तरह से आया, और सातवें दिन में पूरा भर जाएगा। सातवें दिन में इस तरह से पूरा हैवी हो जाएगा। मैं आपको सारा वीडियो उसी डिजिट में दिखा रहा हूँ। और कोकोपीट में लगाने से क्या होता है ना कि प्लांट की सीड्स जब भी आपको ऊपर निकलती है तो उससे हल्का भार चाहिए। मिट्टी में क्या है, आप लोग मिट्टी डालते हैं तो पानी डालने के बाद हल्का गीला मिट्टी हो जाता है क्योंकि कीचड़ टाइप का, उस वजह से सीड्स मर जाती है, दब के रह जाती है। जब भी आप पानी डालें दो टाइम दें, लेकिन झरने से दें, शावर से दें। ये देख रहे हैं सारे सीड्स से आपको बाहर निकलने लगे। तो हमने हमारे नर्सरी में सब ऐसा ही लगाया जाता है। ये सीड्स लगाने का तरीका है, कभी भी प्लांट्स आपको नहीं मरेगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे आसान तरीका है और सबसे बढ़िया तरीका है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों, हमारा चैनल नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। मेरा चैनल यूट्यूब पुराना चैनल डिलीट हो गया है, उसे मैं रिकवर कर रहा हूँ। हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर मैं इस पर सारा वीडियो अपलोड करूँगा। पहला चार गमला पहला दिन लगाने का, दूसरा चार गमला तीन दिन के बाद अपडेट है, और ये दो गमला लास्ट की सातवें दिन की है। सातवें दिन में इस तरह से सीड्स आ जाती है। तो आप लोग ये वीडियो देखिए और लाइक करिए। और दोस्तों, मैं जो भी अब वीडियो डालूँगा कॉपीराइट फ्री है, आप लोग अपने यूट्यूब पे भी लोड कर सकते हैं अपनी जानकारी के लिए। तो दोस्तों, हम आपको जो भी प्लांट के प्रॉब्लम है, आपके प्लांट में कोई दिक्कत है तो हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पे 7004070263 पे मैसेज कर दिया करिएगा। इस पर आपके प्लांट के कोई भी प्रॉब्लम होंगे उसका सलूशन हम आपको बता दिया करेंगे। और दोस्तों, एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट्स किया कि आप रोज़ जो बड़ी तादाद में जो होते उस तरह से एक वीडियो मैं जल्द ही बनाने वाला हूँ और उस वीडियो को अपलोड करूँगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं उसका सारा डिटेल बताऊँगा, किस तरह से क्या करना है, कैसे रखना है, कैसे चलाना है, सारा डिटेल मैं दूँगा। और उसे फॉलो करते हुए आप अपना प्लांट रोज़ शो की तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे सीड्स में के उगाए हुए हैं, और कोई भी सीड्स आप किसी भी तरह का सीड्स इससे उगाइए, मेरी गारंटी है कि आपके प्लांट कभी नहीं मरेंगे। तो दोस्तों, चैनल को नया देख रहे हैं आप तो इसे सब्सक्राइब करिएगा। ये ट्रिक कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये नर्सरी वाले ये ट्रिक आपको बता देंगे तो फिर उनके पौधे कोई नहीं खरीदेंगे। सीजनली पौधे इस तरह से उगाए जाते हैं, तो मैं ये ट्रिक आज आपको बता रहा हूँ। ये ट्रिक कभी नहीं आपका ख़राब होगा, और आप मन चाहे प्लांट पौधे लगा सकते हैं। जब भी लगाइए कोकोपीट में लगाइए, कोकोपीट हल्का नहीं मिलेगा ठीक है। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं दोबारा। नहीं।